टिव सिस्टम फर्स्ट था कॉन्टेंट्स इनवर्टिव रेट्स विदाउट एनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल इनवर्टिव रेड्स दैन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैन जनराइज स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ इनवर्टिव रेट्स एंडिव स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिकेट तो फर्स्ट था रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसका सीधा सा हमारा मतलब यही है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जा वो गेमीट फार्मेशन जा वो एग और स्पर्म्स कहाँ फार्म होते हैं क्या स्ट्रक्चर्स हैं जिसके थ्रू एनिमल्स जो होते हैं वो अपने एग्स और स्पर्म्स की फार्मेशन करते हैं उसके बाद उसकी जाए वो आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए जाओ उसको कौन कौन स्ट्रक्चर्स हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प आउट करेंगे अच्छा इनवर्टिट्स हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनके अंदर कोई भी प्रॉपर परमानेंट सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद नहीं होता है उसके एग्जाम्पल हमारे पास पोलीकिड्स के हैं पोलीकिड्स जो हैं अगर हम इसमें देखें उसमें ना ही तो ओवरीज होती हैं क्योंकि ओवरीज का काम होता है एग्स को प्रोड्यूस करना और जो टेस्टिस हैं उनका का काम होता है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना तो पोलीकीड्स के अंदर ना ही ओवरीज होती हैं ना ही टेस्टिस होती हैं सो देयर इज नो गोनेट्स टेस्टिस और गमीट्स जो ओवरीज है उसको हम गोनेट्स बोलते हैं तो दोनों में कोई गोनेट्स नहीं होता सिर्फ जैसे ही स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन का सीजन आना है रिप्रोडक्टिवली वो मैच्योर करेगा तो उसकी बॉडी की जो बॉडी कैविटी की लाइनिंग के जो सेल्स हैं उसमें कुछ सेल्स होते हैं वो वो जर्मिनेट करेंगे और गेमीट बनाना शुरू कर देंगे तो बॉडी कैविटी के अंदर ही क्या होंगे कुछ लाइनिंग वाले सेल्स जो होते हैं वो गैमीट्स बना देते हैं बाद में ये गैमीट्स जो हैं ये बाहर क्या रिलीज कर देंगे रिलीज़ कर दिए जाएंगे अब चूँकि उनके अंदर स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है तो फिर ये होता है कि जो गेमीट्स बनने के बाद दो या तीन ऑप्शन हैं उनके पास एक ऑप्शन ये है कि वो सिलोमिक कैनल के थ्रू जो है उसको जो है वो बॉडी से बाहर निकाला जाए दूसरा ये होता है कि आमतौर पर जो नेफ्रीडियोपोर होता है तो जो गेमीट्स होता है वो नेफ्रीडियोपोर के थ्रू जो है बाडी से बाहर निकाला जाता है और तीसरा ये होता है कि जो एनिमल की जो बॉडी वाल है वो रेप्चर करती है उसमें से गेमीट्स होते हैं वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं जैसे तो पोलिक्ड्स के अंदर जो है वो किसी तरह का अभी ना ही तो गोनेड्स मौजूद हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद हैं ना ही उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होते हैं जबकि जो बाकी इन्वर्टिव हैं अक्सर इन्वर्टिव के अंदर बाकायदा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और उनको ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो गैमेट्स की फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल होते हैं और इसके बाद गैमेट्स को आगे ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प आउट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे जो प्राइम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा दैट विल बी द टेस्टिस क्योंकि टेस्टिस के अंदर मीर्स की फॉर्मेशन होनी है यानी स्पर्म्स ने बनना है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस टेस्टिस के बाद एक डक्ट होती है जो आगे टेस्टिस से स्पर्म्स को लेकर बायर की तरफ जाएगी दैट इज कॉल्ड स्पर्म डक्ट ठीक है स्पर्म डक्ट को हम वास वासफरेंस का नाम भी देते हैं बाजू में उसको वासा डेफरेंशिया भी बोला जाता है वास वो डक्ट है जो टेस्टिस से स्पर्म्स को लेकर बायर की तरफ जाए आगे मूव अब दो टेस्टिस होती हैं आमतौर पर ज्यादातर केस में दो है या दो से ज्यादा पेयर्स होते हैं तो हार्ट टेस्टिंग से एक वास्ट डेफरेंस आएगी आगे आकर वो दोनों जंक्शन पर मिल जाते हैं और वहां आमतौर पर एक वेजिकल की फार्म होती है जिसको हम कहते हैं सेमिनल वेजिकल है फिर सेमिनल वेजिकल से स्पर्म जो होते हैं एजैक्युलेटरी डक्ट थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं सेमिनल वेजिकल तक स्पर्म डक्ट लाती हैं स्पर्म्स को एजेकुलेट्री डक्ट क्या करेगी उसको बॉडी से बाहर जो है निकाल देगी अब इस सारे प्रोसेस में चूंकि स्पर्म्स को जहाँ वो न्यूरिशमेंट चाहिए उसको लिक्विड लिक्विडिटी चाहिए फ्लूइड चाहिए होता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड जो होते हैं वो स्पम की न्यूट्रिशन कर रहते हैं उसकी जो है न्यूरिशमेंट कर रहे होते हैं उसको फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं कुछ वो होते हैं जो उसको लिक्विड कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि स्पम जो है वो मोटाइल रहे सेम केस विद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ इन्वर्टिब्रिट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर इन्वर्टिब्रिट्स का देखें तो फीमेल का मतलब यह तो तो है कि इट हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस एग्स तो एग्स की प्रोडक्शन के लिए ओवरिस तो पहली बात यह है कि फीमेल रिपोर्डक्ट जो प्राइम स्ट्रक्चर है दे आर दी ओवरीज अब ओवरीज से जो एग्स हैं वो आगे बाइक की तरफ लाने के लिए ओवीडक्ट हैं दोनों ओवरीज से दो ओवरीज हैं या मल्टीपल अगर ओवरीज भी मौजूद हैं तो हर ओवरीज से एक ओवीडक्ट आएगी जो क्या के एग्स को जो है बाइक की तरफ लाएगी देन ओवीडक्ट के बाद आगे हमारे पास आ जाएगा सेमिनल रिसेप्टिकल्स सेमिनल रिसेप्टिकल आमतौर तो पर वो पोजिशन है जहाँ जो सेमन सेमन कहते हैं स्पर्म्स जो होते हैं उनको रिसीव किया जाता है जो कि एग की फर्टिलाइजेशन के बाहर जो स्पर्म्स आएंगे वो सेमिनल रिसेप्टिकल्स में जिसको जो, जो रखा जाएगा आमतौर तो पर होता है इसको यानी कि एनिमल्स की वो जेनेटेलिया होता है जहां से जो है वो जो दूसरा अपोजिट सेक्स जो होता है वो जो होगा जो वो अपने स्पर्म डिपॉजिट करने के लिए जो यूज करेगा इसमें गोनोपोर एंड द ओवीपोस्टर ओवीपोस्टर आमतौर तो पर एग को ले करने के लिए जो यूज़ करते हैं गोनोपोर वो ओपनिंग है जहां से स्पर्म्स और एग जो है वो एंटर या एग्जिट होते हैं फिर वी हैव द स्ट्रक्चर्स या अगर आप स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये जनरलाइज स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है मेल और फीमेल इनवर्टिब्रेट्स का इसमें से आप देख सकते हैं कि जो मेल है उसके पास सबसे पहले टेस्टिस हैं देन स्पर्म डक्ट है देन सेमिनल वेजिकल है उसके बाद जैक्यूलेटरी डक्ट है और फिर एक गोनोपोर मौजूद है फीमेल केस में अगर आप देखते हैं ओवरीज हैं ओवरीज के अंदर आपको देख रहे हैं कि आपको एग्स नजर आ रहे हैं ये एक जब होंगे, ये जब होंगे के थ्रू आ जाएंगे आगे सेमिनर रिसेप्टिकल में और स्पर्म जो है अब जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो फिर ये होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो यहाँ से एंटर होकर वो भी सेमिनर रिसेप्टिकल्स में चले जाते हैं आगे और यहाँ फर्टिलाइजेशन जो है वो ऊपर की तरफ आमतौर पर ओवीडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो जाती है अब इसके बाद सेमिनर रिसेप्टिकल्स के बाद आगे हमारे पास जो इसका है वजाइना है या फिर इसको जो है वो उसके बाद जो है वो गोनोपोर है तो ये वो डक्ट है बेसिकली जहाँ से गोनोपोर वो ओपनिंग है जहाँ से एक्स जो है वो रिलीज करेंगे और ये वो पोजिशन जहाँ से स्पर्म्स एंटर होते हैं तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक है दैट इज अबाउट द मेल क्रिकेट्स ये बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स हैं आर्थ्रोपोड्स हैं इसमें ये दिखाया गया कि जो ये फीमेल है फीमेल के जो ऑर्गन्स हैं इसमें ये सेम वही स्ट्रक्चर रिपीट हुए हैं लेकिन ये प्रॉपर एक वो जर्नाइज स्ट्रक्चर था ये एक स्पेसिफिक है ओवरीज हैं दे आर टू ओवरीज ओवरीज जो है इनके साथ ओवी है छोटी सी उसके बाद बुरसा या जैनल को बोलते हैं इसके बाद अगर इसके ऊपर देखें तो आपको सेमिनटिकल भी नज़र आ जहाँ जो आमतौर तो पर स्पॉन्स स्टोर होते हैं और इसके बाद ये एक ओवी पोस्टर ओवी पोस्टर आमतौर पर एग लेंग में जो यूज होता है मेल में अगर आप देखेंगे मेल में वी हैव हाँ टेस्टिस ये टेस्टिस हैं दो तो, टेस्टिस के अंदर स्पॉन्स बनेंगे वो डॉस डेफरेंस के थ्रू आगे आएंगे और उसके बाद ये आकर आगे यानी कि एसेसरी ग्लैंड मौजूद हैं इसके बाद इसमें ये स्पेसिफिक हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ कुछ देर के लिए स्पर्म स्टोर कर जाएंगे उसके बाद स्पम जो है उसको रिलीज कर दे आमतौर तो पर को रिलीज करने के लिए जो है वो बाकायदा इसमें जो वो पीनस मौजूद होता है बहुत सारे एनिमल्स के अंदर जो स्पर्म्स को रिलीज करने के लिए यूज होता है